आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज 23वां रोज़ा है और जनाब बड़ी तेज़ी से ये रोज़े गुजर रहे हैं। रोज़ी ये बात कहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जहन्नुम से निजात का अशरा है। आखिरी 10 रातें हैं जिसमें क़याम की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। 1000 महीनों से बढ़कर एक रात का क़याम है। आप सोचिए ज़रा कि क्या सवाब है, क्या फजीलत है, क्या दर्जा है इस रात का जिसे शबे कद्र कहा गया। तो जनाब इबादत हमारी जारी हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाई हमारी टूटी फूटी इबादतें हैं। अल्लाह ताला उनमें तकवा और उनमें वो इखलास अता फरमा दे जैसा कि वो हमसे चाहता है। तो नाज़रीन आज हमारी नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में जिस मौजू पर हम बात करेंगे, यूँ तो हम रिलीजसली अपनी और चीज़ों को, अपने टॉपिक्स को अलग अलग तरह से छेड़ते रहते हैं, आपसे क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। ज़कात, फितरा, फ़िदिया के हवाले से अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर आज जो मौजू हम डिस्कस करेंगे अपने उलमा के साथ भी करेंगे और गाहे बगाहे हम कहीं ना कहीं उसका जिक्र करते रहेंगे, वो है बच्चों की आज के दौर में वालिदैन से दूरी क्यों है। हम वालिदैन को तो बहुत शिकायत करते नज़र देखते हैं कि बच्चे ऐसे हो गए हैं, बच्चे वैसे हो गए हैं, बच्चों में वो अटैचमेंट नहीं रही, बच्चों में वो बात नहीं रही, वो अदब नहीं रहा, वो लिहाज नहीं रहा। लेकिन क्या कहीं कोई कमी, कहीं कोई कोताही क्या माँ बाप से भी हो रही है? कहीं कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर हमको लगता है कि माँ बाप को भी फोकस करने की ज़रूरत है? इसी पर आज हम बात करेंगे और आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान।